गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके सेकंड टर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं 25 से, तो आप सबको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। आज से हम रिवीजन वर्क स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड एंड थर्ड चैप्टर का। तो आज हम सेकंड चैप्टर को ले रहे हैं रिवीजन वर्क में। तो फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, वी कैन सी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए ग्लोब एट ए टाइम, हाफ। 1/4 को हम देख सकते हैं, हाफ को या 3/4 को। तो आप सबको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, हाफ। वी कैन सी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए ग्लोब एट ए टाइम, हाफ। ओके, तो बी वाला है जो है इसमें हमें क्या लिखना है, बी लिखना है, यहाँ पे बी को नोटिस करना है। ओके, सेकेंड, हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन द अर्थ। फर्स्ट, 5, 6 या 7, इनमें से कौन से। तो हाउ मेनी ओशियंस आर देयर ऑन द अर्थ, एंड यू नो वेरी वेल, 5। कितने ओशियन हैं हमारे, 5। तो यहाँ पे हमें ए को लिखना है। ओके, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट कौन सा है, एशिया। ओके, तो बी वाला है उसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे भी हमें मेंशन करना है। आप सबको पता है कि जब आपके में पेपर शीट में आपका जो आएगी उसके अंदर ऐसे ब्लॉक बना हुआ आएगा, तो उसको आपको यहाँ पे लिख के मेंशन करना होता है। सेकंड, बी, जो बी है हमारा, टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में आपके वर्ड्स दिए गए हैं उसको आपको करेक्ट करना है। द स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड, जो छोटी आकृति होती है पानी की उसे क्या कहा जाता है, उसे सीज कहा जाता है, ओशियंस कहा जाता है। तो यहाँ सी मतलब समुद्र होता है, ओशियन मीन्स महासागर होते हैं। तो छोटी आकृति को हम कहते हैं सीज कहते हैं, यानी समुद्र कहा जाता है, समुद्र कहा जाता है। सेकंड, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, भारत जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, एशिया का है कि अफ्रीका का है। तो यू नो, एशिया का। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, एशिया। थर्ड, ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एनसाइक्लोपीडिया या एटलस। एक बुक जो होती है वो मैप से रिलेटेड हमें पूरी इंफॉर्मेशन देती है, हमें गाइडलाइन देती है, तो वो कौन सी होती है, वो एनसाइक्लोपीडिया होती है या एटलस होती है, तो एटलस होती है। ओके, फोर्थ, द अर्थ इज राउंड फ्लैट इन शेप। तो अर्थ कैसी है, राउंड है, फ्लैट है आकृति में, इट्स ए राउंड। तो ओके, द अर्थ इज राउंड इन शेप। ओके स्टूडेंट, तो इसको अगेन अगेन आप वॉच करके इनको देखेंगे। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ मैप, मैप क्या है। तो आंसर क्या है, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस। ओके, तो क्या है, A map is a drawing of an area on a flat surface. तो SURFAC, okay, flat surface. Okay, तो map क्या है, एक drawing of an area, एक क्षेत्र में drawing जो की जाती है, और वो भी किस पे, एक flat surface पे। जैसे एक flat सा आपने चपटा से कोई surface होती है, सतह होती है, उसके ऊपर बनाई जाती है, उसे हम map कहते हैं। Okay? तो सेकंड क्या है, नेम द 5 ओशियंस। ओके, तो इसमें हमें क्या बताना है, 5 महासागरों के नाम बताना है। तो 5 ओशियंस नेम बताने हैं। तो फर्स्ट क्या है, द पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक प्रशांत महासागर है। द अटलांटिक ओशियन, तो ये अटलांटिक ओशियंस है। एंड द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। द आर्कटिक ओशियन एंड द अंटार्कटिक ओशियन। ओके, तो क्या है हमारा, फर्स्ट द पैसिफिक, PACIFIC, पैसिफिक ओशियन। द अटलांटिक, ATLANTIC, अटलांटिक। थर्ड, इंडियन ओशियन, तो द इंडियन ओशियन है हमारा, INDIAN, इंडियन ओशियन। द आर्कटिक, ARCTIC। ओके, फिफ्थ, द अंटार्कटिक, ANTARCTIC, अंटार्कटिक ओशियन। ओके, तो ये 5 ओशियंस हैं हमारे, इन सब के नाम हैं। तो आपको विथ स्पेलिंग्स आपको ही लर्न कर लेना। थर्ड,
What is the main drawback of a map? What is the main drawback? Drawback means होती है ना कमी, तो मुख्य कमी क्या होती है मैप के अंदर? तो आंसर क्या है? A map cannot show the exact shape of the earth. A map, एक मैप है ना, ये नहीं दिखाता कि सही आकृति नहीं बताता पृथ्वी की. A map cannot show the exact shape of the earth. Okay? For what is a continent? Name the smallest continent. Continent क्या है? And इसका सबसे छोटा continent क्या है? तो what is a continent यानी महाद्वीप क्या है? और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? Smallest सबसे छोटा कौन सा है? तो आंसर क्या है? A continent is the large mass of land. A continent is the large यानी सब जो बड़ा होता है मास यानी समूह लैंड का यानी बहुत जमीन का जो समूह होता है बड़ा क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं महाद्वीप कहते हैं ओके एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता है ओके हाँ तो अगेन आई रिपीट इट व्हाट इज अ मैप ए मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस A map is a drawing of an area on a flat surface. Second, name the five oceans. Oceans के नाम बताने हमें. तो first the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, and the Arctic Ocean and Antarctic Ocean. Okay? What is the main drawback of a map? A map cannot show the exact shape of the earth. A map cannot show the exact shape of the earth. For what is a continent? Name the smallest continent. A continent is the large mass of land. Australia is the smallest continent. Okay? AUSTRALIA. Australia. And continent? CONTINENT. Or large mass of land. Okay, student? तो ये हमारा फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है उसका कंप्लीट हमने रिवीजन किया है तो आप सभी को भी इसको विथ स्पेलिंग ढंग से लर्न कर लेना है सभी को तो अगेन अगेन इस वॉच को आप देखेंगे और उसको लर्न करेंगे ओके एंड थैंक यू